फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग उत्तराखंडी। मैं लता वेस्ट आज एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। और टाइम हो चुका है, सुबह के बज चुके हैं 8 और आज है सावन महीने का फर्स्ट सोमवार। तो आप सभी को सावन महीने के फर्स्ट सोमवार हार्दिक शुभकामनाएँ। भोलेनाथ कृपा आप सभी पर बने रहे। और हम जा रहे हैं भंडारेश्वर मंदिर ऊपर, और मैं यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से उधर का मंदिर देदुरा भी दिख रहा है। मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। वहाँ पे देखिए, जहाँ पे वो बादल बादल से लगे हुए हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये है भोलेनाथ का मंदिर, देदुरा मंदिर। नहीं, यहाँ से कर लिए देदुरा मंदिर के दर्शन। सुबह उठ के हम नहा गए और आज हमारा फास्ट है, तो हम भंडारेश्वर मंदिर में जा रहे, भोलेनाथ के मंदिर में। और सामान भी ले जा रहे हम, क्योंकि कल जा रही हमारी गाय भैंस बनार, और वहाँ से थोड़ा होता है ऊपर हमारी गौशाला, तो इसलिए थोड़ा ऊपर जाएंगे हम सामान रखने, फिर वहाँ से नीचे आएंगे। तो जल्दी जैसे मैं दिखाती हूँ, बने रहे आप मेरे वीडियो में, इन तक ज़रूर देखना। यहाँ पे बहुत भयंकर धूप लग गई है और हम छाँव में बैठ रखे हैं अभी, और मम्मी नीचे पे बैठ रखी है, और अभी वहाँ दिख रहा होगा आपको ऊपर से चढ़ाई है, तो यहाँ से ऊपर जाना है हमने, तो मिलते हैं ऊपर जाके। हम पहुँच चुके हैं भंडारेश्वर मंदिर में, यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से ऊपर है थोड़ा, तो यहाँ से चढ़ाई है। यहाँ से देखिए, इस रास्ते जाते पानी है, तो सामान निकाल लेते हैं सोल्डी से, अगरबत्ती फूल चावल लेके आए थे हम तो, पर ले जाने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो निकाल लिया हमने केला, सेब, अगरबत्ती, चावल। तो जाते हैं हम मंदिर में, गए हम भंडारेश्वर मंदिर में, तो आपके भी दर्शन करा देते हैं। मंदिर बनाया है कैप्टन दरवान सिंह बुटोला, जो स्वर्गवास हो चुके हैं। पहुंच चुके हैं मंदिर में, तो मैं पानी लेने जा रही नीचे पे, यहीं पे। तो पानी भर लिया है मैंने, पानी भर के ऊपर जाती हूँ जल्दी जल्दी से, इसके ऊपर फूल रखना है। माँ चढ़ा रही है पानी, तो देखिए त्रिशूल में, और अब जाएंगे इधर मंदिर में, तो मंदिर में चढ़ाएंगे वो पानी। माँ रख रही है पानी को अंदर, रख दिया माँ ने अंदर पानी को, और दादाजी कर रहे हैं यहाँ पर पूजा। ये हैं हमारे गांव के ही दादाजी, और माँ पार्वती और शिव जी को नहला रहे, भोलेनाथ को। दादाजी दीपक जलाने के लिए रुई बना रहे हैं, और मैं पानी चढ़ाती हूँ अब। यह अगरबत्ती हम घर से लेकर आए थे। यहाँ पूजा शुरू हो गई है, और अब हम भी कर लेते हैं पूजा जल्दी जल्दी से, तो भनार जाना है हमको। तो देखिए दादाजी कर रहे पूजा, अगरबत्ती भी चला दी है। अब मैं चुप रहती हूँ, नहीं तो दादाजी मंत्र भूल जाएंगे, इसलिए अब मैं भी पूजा में बैठ जाती हूँ। अब शिवलिंग टाइम लगा रहे, पति जला ली है। अब दादाजी करी पूजा, और उसके बाद मैं करती हूँ। फेरा 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 बताओ कल, फेरा लेते हैं, ये फर्स्ट फेरा है हमारा।
हमारा दूसरा फेरा। तीसरा फेरा है हमारा। इगर अगेन फरा निगर इगर बढ़ा निगर उल्टा बनी गेंट हम पीछे जा रहे गेंट चलो कर दे हो गई हमारी पूजा और प्रसाद मिल रहे हैं मम्मी के पास है। चले गए हम और जल्दी जल्दी से भंडार में जाते हैं सामान रख के जल्दी जल्दी नीचे आ जाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले कितनी तेज़ धूप लगी थी अभी मौसम ख़राब हो गया मौसम चेंज हो गया है तो जल्दी जल्दी हम चले जाते हैं तो ऊपर जाके दिखाती हूँ। हम पहुँच चुके हैं भंडार में अपने भंडार में। थोड़ी देर में हम घर जाने वाले हैं थोड़ा घास काटते हैं उसके बाद हम घर जा रहे हैं। छप्पर के सामने ही काटना है और ड्रम को देखिए पानी का ड्रम है पुराना है और ये पूरा घास काटना है मुझे तो मैं काट लेती हूँ अब घास खाती हूँ। मैं घास काट रही तो दरांती को देखिए दरांती यहाँ से मुड़ गया है और जल्दी जल्दी इसको पत्थर से सीधा कर लेती हूँ नहीं तो मम्मी ने डांटना मुझे। दरांती सीधा कर ले है मैंने और घास बना दिया एक सोल्डी और बनाना है दो सोल्डी तो ये अंदर रख देती हूँ जल्दी जल्दी से तो मैं दिखाती हूँ पूरा घास बना दिया तो दिखाती हूँ मैं ये है हमारा पूरा घास मैंने तीन सोल्डी घास बना लिया है तो देख सकते हो आप यहाँ पे रखा है मैंने घास काट लिया है तीन सोल्डी और अब ये बक्से में सामान रखना है जो हम घर से पीसे आटा वगैरह लाए हैं तो उसको रखना है बक्से में तो मैं बक्से का सामान निकाल लेती हूँ सारा बाहर बर्तन वगैरह तो मैं उसके बाद रखती हूँ। हम अभी घर आ गए हैं तो मैंने भंडारेश्वर महादेव के दर्शन भी करा दिए भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे और आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में और मेरे तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय स्वस्थ रहें मस्त रहें।